नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच सामान्य हिंदी में उन तमाम प्रश्नों को लाई हूं जो कि विषय से विशेषण से संबंधित है और पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं और आगामी परीक्षा में आने की संभावना है। तो आइए आज के क्लास के बारे में बताओ, विशेष और विशेषण, ठीक। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय सामग्री होगा, शीघ्र स्टार्ट होने वाले मल्टी विटामिन कैप्सूल क्लासेज में आप सभी को एक विस्तृत रूप से सामान्य हिंदी का क्लासेज लिए जाएंगे जिसमें आपको भी तमाम प्रकार की सूचनाएं दी जाएंगी आपके टॉपिक से रिलेटेड, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप उसका नियमित रूप से अध्ययन करेंगे, दिए गए मार्गदर्शन का पालन करेंगे, तो साथियों पूर्ण भरोसा है कि हिंदी में आप न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन करेंगे, सफल होंगे अपने परीक्षा में, बल्कि रैंक भी आपका बेहतर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं, तथा विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ विशेष और विशेषण को देखते हैं। अंतर का विशेषण आंतरिक, अग्नि का विशेषण आग्नेय, अधिकार का अधिकारी। क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विशेष्य नहीं है। जब आप इस चीज़ को जाने रहेंगे कि अधिकार विशेष्य है, अधिकारी विशेषण है, तब आप सही विकल्पों पर टिक लगा सकते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिए, विशेष्य क्या है और ये विशेषण उसका क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विशेषण है, ठीक है, और तीन आपको दे देगा विशेष्य और एक देगा विशेषण। तो यहाँ आप पढ़े रहेंगे तो अपने आपको पता चल जाएगा कि विशेषण अजीत है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अन्य प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे विशेषण के मुख्य भेद, संख्यावाचक विशेषण कौन सा है या गुणवाचक विशेषण कौन सा है, समुदायवाचक विशेषण इनमें से कौन से हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बस विशेष और विशेषण से संबंधित कुछ संक्षिप्त जानकारी आप सभी को उपलब्ध करा रही हूँ। तो देखिए, अंतर का आंतरिक, अग्नि का विशेषण आग्नेय, अधिकार का अधिकारी, अजय का अजीत, अकर्म का अकर्मण्य, ठीक है, अनुशंसित, फिर से देखिए, अनुशंसा का अनुशंसित, आकाश का आकाशीय, आराधना का आराध्य, आश्रित का आश्रय, ठीक है। इतना आप इसको प्रत्येक दशा में अच्छे से पहचान लीजिए, बहुत इजी है, इसमें तो मैथमेटिकल नंबर आपको मिलने हैं। बस एक बार समझ लीजिए विशेषण कौन सा है, विशेष्य क्या है, ठीक है। अब आइए अन्य, ये सारे पूर्व के परीक्षाओं में पूछे गए हैं और मैं आपके लिए इसलिए ये सब लाई हूँ क्योंकि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। शकुन का शकुनी, शासन का शासित, संपादक का संपादकीय, संक्षेप का संक्षिप्त, शकुन का शकुनी, शासन का शासित, संपादक का संपादकीय, संक्षेप का संक्षिप्त, हराम का हरामी, छड़ का छड़िक, क्षमा का क्षम्य, संयोग का संयुक्त, अन्याय का अन्यायी, अनुमोदन का विशेषण अनुमोदित, ठीक है, अधिकार का अधिकारिक, आयोग का आयुक्त, ऐसड़ का इष्ट, ऋण का ऋणी, कलयुग का कलयुगी, ऋषि का आर्ष, ऋषि कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है, कि ऋषि का विशेषण क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा आर्ष, तो इसको भी अवश्य आप ध्यान में रखेंगे। अनाशक्ति का अनासक्त, अब यहाँ देखते हैं कुछ अन्य, खेल का खिलाड़ी, गंध का गंधी, घनिष्ठता का घनिष्ठ, चुराना का चोर, च्युती का च्युत, छेद का छेदक, जागरण का जागृत, जाति का जातीय, ढाल का ढलवा, तंद्रा का तंद्रिल, दृढ़ता का दृढ़, नोक का नोकीला, मनु का मानव, लंब का लंबा, विरह का विरही, लांछन का लांछित, गर्व का गर्वीला, इंद्रिय का इंद्रिय। तो साथियों आप अवश्य ही ये सभी विशेष से विशेषण को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये
आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ साथ आप सभी को अवगत मैं कराऊं कि जो शेष विशेष विशेषण से संबंधित क्वेश्चन है वे सारे मैं मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस में आप सभी के बीच लाऊंगी। और आप सभी विश्वास के साथ उस क्लास को करिएगा, निश्चित रूप से आप सभी को फ़ायदा होगा। उसमें मैं आप सभी को विशेष विशेषण से संबंधित सब बताऊंगी, जैसे विशेषण क्या है, ठीक, विशेषण के कार्य क्या हैं, ठीक है, विशेषण के मुख्य भेद क्या है, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक, संकेतवाचक, परिणामवाचक, उसके उपभेद क्या हैं, सब कुछ, और प्लस आपको एग्जाम्पल के साथ बताया जाएगा जो, और पूर्व परीक्षाओं के भी क्वेश्चन उसमें मैं शामिल करूंगी ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हो। उस क्लासेस में आपको विशेष से संबंधित समस्त जानकारियां दी जाएंगी, ठीक, और विशेष से विशेषण एवं विधेय विशेषण को बताया जाएगा, विशेष से विशेषण के उदाहरण भी दिए जाएंगे, ठीक, और विधेय विशेषण के बारे में बताया जाएगा क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर ऐसे क्वेश्चन इन सबसे टॉपिक से उठाया जाता है, तो आप अवश्य ही ध्यान देंगे। तुलनात्मक विशेषण क्या है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, फिर आपका उत्तमावस्था क्या है, तो ये सारे चीज़ आपको मैं बताऊंगी उस मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेज में। और प्रयास करूंगी कि यदि आप उस क्लास को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अत्यंत ही लाभ मिले। साथियों, मेरे द्वारा जो मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेज में आप सभी को सामान्य हिंदी के क्लासेज लिए जाने हैं उसमें आपको मैं अपने जो नोट्स बनाई थी अपनी सफलता के लिए वही एज इट इज़ मैं आप सभी के बीच लाने वाली हूँ, ठीक, जिसमें आपको संज्ञा शब्दों में प्रत्यय लगाने से रचित जो विशेषण बने हैं वो सारे प्रस्तुत करूंगी। सर्वनाम शब्दों से प्रत्यय लगाने पे कौन से विशेषण बनते हैं वो टोटल आप सभी के बीच आएगा। क्रिया शब्दों से प्रत्यय लगाने पे कौन से उत्पन्न विशेषण बनते हैं, विशेषण का पदान्वयन क्या होता है, ये सब कुछ ए टू जेड आपको विशेष और विशेषण में आपको मैटर मिलेगा। आप स्वयं कहेंगे कि इतना मटेरियल मैं किसी भी पुस्तक में अध्ययन नहीं किया हूँ। उसका कारण है कि आप सभी द्वारा और स्वयं मेरे द्वारा भी यह कमी देखा गया है कि जो भी प्रतिष्ठित पुस्तकें हैं मार्केट में उसमें विशेष विशेषण से संबंधित जो विषय सामग्री दी जाती है बहुत ही कम दी जाती है, जिसके कारण हम अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से इस टॉपिक पे कर नहीं पाते हैं, ठीक। इस सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आप सभी के बीच मैं मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस सामान्य हिंदी में सबसे पहले विशेष विशेषण को ही लाऊंगी ताकि आप सभी की ये समस्या तत्काल दूर हो, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन 10 पूछे जाने हैं साथियों, तो आप ध्यान रखिए 10 नंबर कम नहीं होता है, ठीक है, तो आप अवश्य ही विश्वास के साथ करिएगा। उसमें मैं आपको तमाम विशेष विशेषण के लगभग आपको लगभग 500 से ज़्यादा, 500 क्या, लगभग 1000 उदाहरण बताऊंगी, देख के आप दंग रह जाएंगे। और पूरा उम्मीद है कि वो क्लास आप कर लेंगे तो विशेष विशेषण से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और साथियों, आप सभी के बीच मैं टेस्ट सीरीज जो सुपर केस पेपर के लिए जो सामान्य हिंदी का ला रही हूँ जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे वो भी अल्टीमेट ला रही हूँ, उसको भी आप एकमात्र टेस्ट सीरीज ना मानिएगा बल्कि उसको आप अपनी सफलता का पर्याय मानिएगा, ठीक। तो इसी आशा के साथ कि आप अवश्य अपने परीक्षा में न सिर्फ सफल होंगे बल्कि बेहतर रैंक भी पाएंगे, मैं सीमा गुप्ता इसी आशा के साथ आज विदा लेती हूँ। नमस्कार।